आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लॉकडाउन से पहले की नहीं बल्कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की हैं, जहां कोरोना वायरस का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी इनके लिए मात्र एक मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके की चौकी नगला पटवारी की है, जहां तैनात दरोगा अपने आवभगत में इस कदर खो गए कि उन्हें लॉकडाउन के नियमों का जरा भी ख्याल नहीं रहा। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का उनके घर से बाहर निकलकर एक साथ इकट्ठा होने को भी दरोगा साहब और पुलिस ने नहीं रोका, बल्कि ढोल नगाड़ों के धुन का आनंद उठाते नजर आए। जरा आप ही सोच कर देखिए कि कुछ दिनों पहले तक यही पुलिस लोगों के घरों से बाहर निकलने पर उन पर लाठी डंडों की बरसात कर दिया करती थी, लेकिन शायद समय बीतने के साथ ही पुलिस का वो सारा जोश ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस जैसी महामारी को सीधी चुनौती देती ये तस्वीरें मौत को बुलावा दे रही है और आ बैल मुझे मार वाली कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ये आलम तो तब है जब पहले से ही ये इलाका रेड जोन घोषित किया जा चुका है और यहाँ पहले से ही कोरोना के 57 मामले सामने आ चुके हैं और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इस संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, मगर इन्हें इन सब बातों से क्या लेना। लोग चाहे मरे या जिए, लेकिन हमें तो बस अपनी खातिरदारी से मतलब है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी भी सिर्फ पुलिस की नहीं है, बल्कि लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है। ये लोग क्या ये नहीं जानते कि इनकी छोटी सी गलती इनकी और इनके परिवार वालों की जान को खतरे में डाल सकती है। जहां डॉक्टर्स दिन रात एक करके लोगों को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहीं पुलिसकर्मियों की इन हरकतों से सर शर्म से अपने आप झुक जाता है और ऐसा लगता है लाखों कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिलहाल ये सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभी इन पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों पर प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अलीगढ़ से न्यूज के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।